मैं कैसी लग रही हूँ? जा। अरे अरे इस भाई साहब को भी आंखों से आंसू निकालने हैं। तू बस इतना सोच दिमाग में परी छोड़ के जा चुकी है, अपने आप आंसू आ जाएंगे। कहता फालतू हंस रहा है। तू एक बार सोच कि सच में दिल से सोच कि परी जा चुकी है छोड़ के, फिर तेरे आंख से आंसू आ जाएंगे। तो कैसे निकलते हैं? मैं कह रही हूँ इतना अच्छा बताया है। काली गाड़ी को चोट लग गई, फिर तो खूब निकलेंगे आंसू। मेरे सोच के निकलते, मैं तो सोच सोच के निकाल देती हूँ आंसू। दिखाऊं रुक के? पागल है क्या? जो बोलता है वो खुद ही होता है। तू पागल है। देखो 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 यार, थोड़ी आगे में तो लाल होनी चाहिए। देखियो एक गुस्सा मार दूं। कह रहा है एक, कह रहा है इसी के आगे आंख खोली खड़ा होता है। तुम इसकी सुनो, तुम इसकी आंख में बहुत तेज से फूंक मार दो। नहीं होता ऐसा, आंख खुले रख ले। तुम इसकी आंख पे किस कर लो? खुली तो है थोड़ी है, खुली रहने दे। तुम इसकी आंख पे किस कर लो? थूक देता हूं आंख के अंदर। थूक दो। अरे हां, लाइट जला के लाइट पे देखता हूं। अबे भाई देख देख देख, फिर तो चौंधा ही हो जाऊंगा यार। अबे थूक तो रहा है कहां, आंख के अंदर। अबे देख के यार, चलो भैया अबे ड्रायर मार लेना आंखों के अंदर। तो सही रही है, गरम मारेगा ना ड्रायर, पागल है। ठंडा भी हो रहा था वो। उससे भाई एकदम तेज वैसी पड़ेगी, उससे तेज आंसू आएंगे ना उसका। आंख मार 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 मार, आ रहे आ रहे आए। अबे अंधा ना हो जाइए बेचारे वीडियो के चक्कर में। ये देखो बहुत अजीब से कपड़े हैं, बट यहाँ वीडियो में ऐसे कपड़े पहनने को बोला है, ऐसे तो फिर क्या कर सकते हैं। इंडो वेस्टर्न, नीचे वेस्टर्न ऊपर इंडो। किसी की शादी में ऐसे जाऊंगी मैं, मार मार के भगाएंगे तेरे को। तेरे घर में थी ना शादी में, ऐसे ही आती मैं, उड़ा देते भाई। हेलो भाई, कंप्लीट गाइस की वीडियो। भाई अभी कुछ समझ सा नहीं आ रहा कि हम लोग क्या बनाए क्या नहीं बनाए, बाकी तुम व्यू चेक करो। है कुछ नहीं पीछे, ये मॉल सा ही है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं और कामत बैठ के भी भाई डिस्कस कर रहे थे कि क्या बनाए क्या बनाए। बाकी अभी तो परी की एक वीडियो बन रही है जिसमें वो रेडी होने जा रही है। आधा घंटा हो गया इसे, अंदर वॉशरूम में बैठी हुई है, पता नहीं सो गई क्या कर रही है। आ गई ले भाई, बड़े बड़े दो थैले, एक मेरा है एक ये रहा मेरा। फिर भी मतलब ठीक है, मेरी क्वांटिटी कम है कपड़ों की, पर खर्चा ज़्यादा है, और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और खर्चा भी ज़्यादा है। कह रही कल सारे जाके रिफंड मार दूंगी। हाँ फूड कोर्ट, फूड कोर्ट में खा ले यार, पोल पोल मत लेके जाओ। अबे चल तो मैं और भी कैसे ऊपर जा रहे हैं। सुन मैं ना, देखो मेरे को ना स्ट्रिक्टली मना कर रखा है विशाल ने खर्चा करने के लिए, तो ये मेरा खर्चा करा रही है। और जो मैंने सेव करे ना पैसे, अब बोल रहे नहीं भाई, कोई मतलब ही नहीं है यार। मैं तड़प रही हूं, पता नहीं मत... मैं मर जाऊंगी, ज्यादा सांस नहीं आ रही। यही करती है कॉफी इंसानों के साथ, इतना चाय वाले नहीं तड़पते इतना ना कॉफी वाले बंदे तड़प जाते हैं। नशा होता है कॉफी में, नशा भाई होता है नशा, जब भी तड़पते हैं बंदे उनको तलब होती है। हां तलब हो रही है, तलब बड़ी यूज नहीं कर रही है, तलब हो रही है इसको। The next day. So hi everyone, welcome back to our new vlog. वैसे तो ना मेरे को ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ठीक सी लग रही, पता नहीं क्यों, बट जैसे मैं बोलती हूँ ना हेलो एवरीवन वेलकम बैक, मेरे अंदर एक अलग सा जोश सा आ जाता है एकदम, मैं तेजी में बोल दूंगी मैं। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं कामत के पास, नहीं कामत के पास जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं कोई इसकी कोई मनपसंद कोई छोले कुलचे की जगह है, जिसकी बहुत तारीफें कर रही थी। जब एक ही बार खाया तुमने यहाँ पर
तारीफ कर रहा, सुबह उठते बोल दिया भाई आज तो छोले कुलचे वाले के पास जाऊंगा, वैसे मेरे को छोले कुलचे खाना इतना पसंद नहीं है। ये कैसी जिम है? हाँ, ये कैसी जिम है? छोले कुलचे भी खाए जा रहे हैं, सब खा रहे हैं, बस जाते हैं जिम करके आते हैं, फिर सब ना कुछ खाते रहते हैं। पर मेरा पता है क्या मन कर रहा खाने का? मेरा मन कर रहा है साउथ इंडियन खाने का। मैं तो सुबह सुबह ना प्रेफर करती हूँ, अपने घर में भी ना हम लोग सुबह सुबह डोसा ही खा लेते हैं, तो अभी मेरे को ऐसा मन हो रहा है कि मैं डोसा ही खा लूँ, कुछ डोसा इडली वगैरह खा लूँ। बट वहाँ पर नहीं आस पास कहीं कैसे भगा रहा है, कैसे भगा रहा है, बिल्कुल नहीं मान रहा। ऑरेंज गाड़ी ले रखी है, देख रुड़की 160 देहरादून 230 या चले पहाड़ो, चल देहरादून चलते हैं इसे। बता ये भी तो नहीं, 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 नहीं। मैं तेरा यही देखती हूँ ड्रामा, छोटा सा मुंह बना लेती है, छोटा तेरे से सीखा है, तेरे को देख देख कैसे मुंह बना रहे हैं। बट हम दिल्ली नहीं जा रहे, हम दिल्ली भी नहीं जा रहे, मतलब दिल्ली से तो खूब उल्टा जा रहे हैं अभी, हम उल्टा जा रहे हैं। अब काम है दोबारा भेजिए नेहरू नगर की स्टार्ट करियो, अभी 20 मिनट दिखा रहा है कुछ। ओ गॉड भाई, कोई खुशखबरी की बात है शायद, खुश तो है अगला, अभी बताएगा, अभी देखना एक्टिंग, देखना एक्टिंग, देखो देखो एक्टिंग देखो। बता 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 यार, मैं सोच रहा हूँ यहाँ लेके आऊँ, तू कुछ भी सोच, अब बता क्या हुआ, कितनी लिमिट मिली कार्ड की? 3 से 7 बोला है, 3 से 7 लाख। उसे बोल चुप हो जा, हमें कर रही है। और कौन सा कार्ड है? एक्सिस। एक्सिस का? ये कोटक वाली थी ना? नहीं, एक्सिस की थी। जिसमें इसका बैंक अकाउंट है उसमें इसको कार्ड नहीं मिलते, जिसमें इसका बैंक अकाउंट नहीं है वहाँ से उसको कॉल आते हैं कि आप कार्ड ले लो कार्ड ले लो, इसके अपने बैंक वाले इसको बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं करते क्रेडिट कार्ड। कहाँ खाऊं मैं, इधर खाऊं उधर खाऊं, इधर ही लिया, मैं भी टेस्ट कर लूंगी। इसने बोला है कि उनके छोले में ना वो हनी डालते हैं और वो डालते हैं अनार डालते हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आया हनी कौन डालता है छोले में, उनको समझ तो मेरा मन बहुत अजीब सा हो गया। वहाँ नहीं लग सकती गाड़ी, दो गाड़ियाँ खड़ी है ना, एक भी हट जाए तो लगा दूंगा या ना, एक ही तो रास्ता है, फटाफट लिया गाड़ी में हनी और वो बोल दियो, हनी और वो मत डालें, वो हनी थोड़ी सी, हनी कौन डालते हैं छोले, मीठे छोले कौन खाता है? इसी चीज से तो फेमस है, उन्हें वो नींबू डालते हैं हनी की जगह। हां वो दे देंगे। हैं, पी गया छोले? पी गया, अरे पानी और था उसमें ज्यादा। तो भैया इसके छोले कुलचे आ गए, कुलचे में भाई मेरे को जेन्युइन ना देख के बहुत सही लग रहे हैं, छुलचे बोल दिया, छोले को छुलचे, सॉरी कुलचे हैं ये, मीठा है बहुत। मीठे है क्या है? इनको बोलते भैया चटपटे दे दो, आप छोले कुलचे दे दो, पर छोले चटपटे होने चाहिए, मीठे मीठे नहीं खाती मैं, सब चीजें तो नहीं, कैसे खा रहा है मीठे वो, देखो गर्मी इतनी हो रही है, खाया जा रहा छोले कुलचे, गर्मी हो रही होती ना यार, मेरे को भी टेस्ट करा दे, मेरे को एक बार टेस्ट करा दे, मेरे को चेक करना है कि मीठे छोले कैसे होते हैं, प्याज है ना कुछ है, बहुत मीठे छोले हैं यार ये, उसको बहुत अच्छा क्या था भाई, जेन्युइन इस बार खाया मैंने मीठे छोले कुलचों के साथ, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, बिक रहा है, अरे ये खा रहा है, बिक गया क्या आपने,
क्या फेमस है उसके मुंह पे जाके बोल दे एक बार जा। मैं बोलूंगी अभी भैया को आंदे भैया आएंगे ना, मैं भैया से पूछूंगी मीट छोले कौन बनाता है, जिनमें शहर डाला हुआ है यार। मेरे को लगा कि नहीं ऐसे ही बोल रहा होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होगा। भाई मैंने ना यहाँ पर कम से कम दो दुकानें चेक कर ली, शेक वगैरह की। सुन तो शेक की कि भैया किटकैट मतलब इससे थोड़ा पीछे खड़ा मुस्कान वाले से। तो मैंने भैया को बोला कि भैया किटकैट शेक नहीं है, तो कहते कि नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे, मैंने और भी दुकानों पे चेक करा नहीं है, कहते आप किटकैट ला के दो मैं बना दूंगा। ये क्या बात हुई? मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है दे दे किटकैट ला के, फिर वो क्या बनाएंगे उसमें शेक, मैं ही किटकैट ला के दे दूं। हां 10 रुपए काट लियो यार। बस एक मोमोज वाले भैया दिख रहे हैं पीछे कुछ खाने को। That's why all the guys say India is not for beginners. बोलते हैं इस बंदे इतना शर्म नहीं है, खुद का पेट भर लिया छोले कुलचे से मीठे। आज अभी खुद भी बोल रहा था कि परी यार तू सही बोल रही थी, मीठा है मतलब छोले मीठे मीठे हैं आज। मैं भूखी रहगी ना, पर मेरे को कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कुछ खिला दूंगा। अरे भैया आराम से गाड़ी पे टच ना होना, देखियो बहुत दूर है, पास लगती है ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे मर मर के आ रहा है। कैसे मर मर के आ रहा है? एक घंटे से खड़ा कर रखा है। बैठ बाइक लगा कहीं बैठ। तो अभी आ रहे हैं, तो अभी करीबन जो 15 मिनट पहले इस लड़की का कॉल आया था क्रेडिट कार्ड के लिए कि आपको 3 से 7 लाख की लिमिट मिलेगी। उसने मैसेज कर दिया सॉरी आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता। लड़का तो देख रहा है भाई, ये कुछ कहना चाह रहा है क्या ये? जाने 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 भाई तू जा, तू ही जा, तमीज कहेगा ये नहीं कि निकल जाऊं चुपचाप। ये शूट करने आए हैं पार्क पार्क के अंदर, वो इतनी भपक गर्मी है, इतनी भपक गर्मी पूछो मत। और अभी जो जलाएगा मेरे को इसलिए शूट जला। चल चलो बैठो, आओ बैठो 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 बैठो। कितने पैसे लगेंगे? 5 रुपया लगेगा। 5 रुपया? चल काम है तो बहुत सस्ते में बिक गए हो तुम। झूला ही तो झूला रहा हूँ, खुद थोड़ी बिक रहा हूँ। आप झूला पकड़ो, आप मेरी कमर क्यों पकड़ रहा है? ये तो विशाल 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 गिर जाऊंगी मैं। खड़ी हो गई खड़ी विशाल 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 गिर जाऊंगी, खड़ी हो गई, चल बैठ। अरे नहीं हमारे पास अभी छोटी सी क्यूट सी लड़की आई है, कह रही है अब मेरे हाथ पे ना अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख दो, लिख दे। अब घर जाके देखोगे हमारी वीडियोस? अगर हाथ धो ली उससे पहले तो? अगर उससे पहले मिट गया तो? नहीं मिटेगा। अब बता दो दो है तो कैसे लिखूं? छोटा छोटा लिख दो आयु। ये वैसे आयु ब्लॉग सर्च करेगी ना उसमें ही आ जाएगा हमारा दूसरा चैनल भी। आप खाली ये सर्च करना यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर उसमें ये वाले भैया दिखे तो ऐसे कर देना छी छी। और मैं देखूं तो बोलना वाओ प्रीटी प्रीटी। ठीक है यार, टिश्यू है मेरे। कौन सी क्लास में हो? टिश्यू भी लिख के दूं? टिश्यू होगा। सोच वो गलती से उसको पसीना आ गया, वो टिश्यू निकाल के पोंछ लिया फिर। कहाँ है? अब टिश्यू निकाल लिया और टिश्यू पे लिख के दे दिया। बड़ा एक सब्सक्राइबर, अपने दोस्तों को भी बोल देना जितने भी छोटे मोटे बड़े सबको। ठीक है चलो, इंस्टा का मेरे को अपना यूजर नेम याद नहीं है। अरे इंस्टा का क्यों लिख रही है? हो गया भाई बिल्कुल, तू तो पूरा सब कुछ सब्सक्राइब करो। मम्मी का भी लिख दे, अभी का भी लिख दे, अंठी का जरूर लिख दो, आदित्य किचन। अरे हाँ मेरी मम्मी का भी लिख लो, लिख लो, खुद लिख रही है और कह रही लिख लो। पर दीदी हमारे ही व्लॉग देख रही है। ये हमारा ही ब्लॉग है। चलो देख लो देख लो। बहुत ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। अब हम तो डेली डालते हैं, अब डेली देखना हमारे ब्लॉग। बाय बाय। क्या खड़ी हो गई? आजा भाई ब्लॉग का टेक ले रहा हूँ, आजा। अरे 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 नहीं यार भाई, मेरे को पता है ना इसका। चल यार कोई ना, इसे रहन दो, पसीने में पड़ी रहन दो। हंस रही है, देखो हंस रही है। चल यार परी, लोग देख रहे हैं यार। अभी रुको इसके, आज इसे बताऊं मैं सबसे पहले। उठ चल जल्दी, लोग भी देख रहे हैं, समझा कर। चल कहाँ पर है तू? इतना मारूंगा ना, कहाँ पर है तू? मेरे को हीट स्ट्रोक। उठते ही कह रही है कहाँ पर हूँ मैं। राम है वासी। भैया भी भैया बैठे बैठे कह रहे देख ले भाई, कभी सही में चक्कर आ रहे हो? अरे नहीं, इसे इसकी हमें पता ही से ना आते चक्कर चुक्कर।
राम में भाजे भाई, गर्मी वैसे बहुत हो गई यार सच में। जामुन लेके जा रही है कच्चे, घर पे जाके उगाएगी। चलो भाई छोड़ दे रहे गाड़ी में बैठ के, ठंडे वंडे हो जाते हैं गाड़ी में बैठ के। गाड़ी भी भपका ही मार रही होगी, अब तो कोई नई बात नहीं है। भैया आ गए दिल्ली वापस, ऐसा लग रहा नहीं कितने दूर ट्रैवल करके आए, 1.5 घंटे का सफर था सच में, पूछो मत। सो भी गई थी तो रास्ते में हल्की झपकी मारी, ऐसे उठाने लगी, देख देख लड़की, देख लड़की, देख क्या हरकत कर रही है। अरे वो लड़की टी शर्ट उठा के ऐसे कर रही थी गर्मी में, तो तू मेरे को भी इधर उठा रहा है साथ साथ दिखा रहे। अरे एक बार मेरे मेरे इसके लिए बनवा दे तो। चल डीवी चलेगा? नहीं तो बनाऊंगी डीवी चलेगा तो। जल्दी आ यार, बोलू मोटी को भी फोन करके बोलू। हाँ गाइस एक और वन मोर थिंग, आप यहाँ बता रहे आप, मतलब मैंने ऐसे पढ़ा कि महंगे हैं टी शर्ट, पहली बात तो महंगे नहीं है। आप सच में ना क्या गिरा ऊपर से? कूड़ा गिरा किसी का। आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं लोग ऊपर से डॉग्स फेंक रहे हैं, मैंने देखा। मैं खोल दिया, मैं कैसे बनाऊं, रोशनी आ रही है भैया इसकी बनाऊं पहले। तो मैं ये कह रही थी, ठीक है लो कर लिया। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब कि बंकूट पे जो आस्था की ब्रांड है वहां पर 30% ऑफ की सेल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के ना टी शर्ट ऑर्डर कर लो, अपनी फेवरेट मनपसंद टी शर्ट मैंने पहनी थी, बहुत मस्त मस्त है। अंधेरा आ गया तो लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, जिसने मेरे मुंह से रोशनी लूट ली ना आप टी शर्ट लूट लो। हाय एवरीवन, तो आप सब एकदम शॉक्ड हो गए होंगे, दीदी अचानक से इतनी रेडी शेडी हो गई और कहाँ जा रही है बताया भी नहीं। तो अभी गाजियाबाद से हम लोग घर ही आए थे, उसके बाद लाइक हमारा ना कल से ही था, हमें कार्ड आ रखा था शादी का, हमारे फ्रेंड की सिस्टर की शादी है। मैं कॉल किया था कि आ जाना भाई, मतलब मेरे को ही हुआ था, विशाल से बात हुई थी, मेरे से बात नहीं। तो हमारे फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, तो पहले हम थोड़ा बोल रहे थे कि शायद अगर हम लोग आज दिल्ली ना आए तो नहीं जा पाते। फिर हमने सोचा कि चलो अगर गाजियाबाद से दिल्ली आई गए तो चल लेते, अच्छा नहीं लगता, किसी ने हमें इतने प्यार से बुलाया है वहां पर तो जाना तो जरूर चाहिए। ऊपर से बहन की शादी है किसी की, तो उसकी बहन हमारी बहन की बात है, ठीक है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने अपना मेकअप ना आज खुद ही करा है, वैसे तो मैं खुद ही करती हूँ अपना मेकअप, मेरे को ना आई मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है। अक्सर बेस वगैरह कर लेती हूँ, बट आई मेकअप में मैं थोड़ी क्या बहुत ही कच्ची हूँ, फिर भी कोशिश करती रहती हूँ। अब जैसे कहीं मेरे को बाहर जाना है तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लिया कुछ ना कुछ ट्राई करने का, तो मैंने बहुत हल्का से ऐसे कुछ लगा लिया। बाकी तो ऐसी लग रही हूँ, मेरे को तो मैं ऐसा अच्छी लग रही हूँ। बाकी आप लोग भी बताना कैसी लग रही है। विशाल अभी तक रेडी नहीं हुआ है, पता नहीं किया, मैं रेडी होगी लड़की होके सोचो, 20-25 मिनट में रेडी हो गई और बंदा अभी तक रेडी नहीं हुआ है, क्या कर सकते हैं भाई। पिछले 50 मिनट से मैं विशाल कुमार का इंतजार कर रही हूँ, वो जब से बोल रहा है यार कपड़े नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, तो भाई उसी गाड़ी नीचे खड़ी तो मैं नीचे ही आ गई। मैं ऐसे इमेजिन कर रही थी, काश अगर सोचो मेरे पास ऐसे गाड़ी होती, मैं बस अपने घर से उतरती नीचे गाड़ी में बैठती और निकल जाती, बट एक दिन ये चीज भी पूरी होगी कि मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगी। जैसे अब आप बोलोगे कि दीदी ये भी तो आपकी गाड़ी है, मेरे मन को पता है कि देखो अपनी चीज तो अपनी होती है ना, जैसे कि सबका होता है कि यार मेरे पास अपना खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, ये भी मेरी ही गाड़ी है, मेरे को बहुत प्यार है इस गाड़ी से, बट मेरे को ना एक अपनी गाड़ी भी चाहिए कि मैं घर के नीचे उतरूं, बैठूं और निकल जाऊं। अब ऐसे ही मेरे को गाड़ी चलानी भी थोड़ी सी आती है, बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं आती, खाली रोड पे आते हो तो, बट अभी मेरे को विशाल का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी होती तो मैं अपने घर से निकल के उसे घर जाती, उसको पिक करती ऐसे बैठ के। भैया आ गया है ये लौंडा, देखा देखा देखा, दोनों भाई बहन चुपचाप यही चला के बैठे हो और क्या, हम तो बात भी कर ली, काश हमारी गाड़ी तो निकल जाते, इतना भूल गए कि क्लचर भी भूल गए थे उठाना। हट जल्दी हट यार गर्मी लग रही है, मेरी गाड़ी में बैठ तेरा बस। क्या कर गया, तेज आ गई थी, उठा ले यार। एक बात बताओ, एक तो ना यार एक बात बता, मेरी आंखें से तो वाइट वाइट दिख रहा है ये तो, बट जब मैं कैमरे में से फ्लैश हो तो सारा वाइट वाइट दिखता रहता है तो, फिर मैं भूत जैसी लगती हूँ। कोई नहीं, वो वाला कैमरा रियलिटी दिखाता है, मैं तेरी आंखें रियलिटी नहीं दिखा रही, ये बोलना चाह रहा होगा, छोड़ो हटाओ। अभी से मेरे को पूछा कि बताइयो मैं कैसे लग रहा हूँ, मैंने इसको बोल दिया कि हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, कह रहा नहीं तो जान कैसे बोलेगी, अगर मैं इसकी बेइज्जती करती तो फिर ये बंदा मुंह बना लेता, अब मैंने इसका बेइज्जती नहीं कर रहा तब भी इसको दिक्कत है, इसको दिक्कत मेरे से है, मैंने एक बार समझ ली, हैंड्स प्रूफ्ड मेरे को दिक्कत नहीं है। तो क्या है, जलता तो है ही, मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है। तो गाइस आई एम सो सॉरी, मैं ना व्लॉग बनाने ही भूल गई, मैं जब से आई ना मैं दामनी मेरे को मिल गई तो मैं इससे गप्पे मारी थी, बहुत सारी गॉसिप हुई मेरी से,
बहुत सारी गॉसिप, तो मैं उस गॉसिप में ब्लॉग बनाना भूल गया। वो गॉसिप तो बता नहीं सकती, बट कुछ लोगों के बारे में ऐसी बातचीत हो गई तो ऐसा हो गया, तो भूल ही गई सच में यार ब्लॉग में। विशाल तो असल शादी मैंने, वो कब से बाहर पार्किंग में मतलब अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ है, फिर भी कह रहे कि मैं दो तीन दफ़ा आया था। ये शादी देख लो, तो अभी हम जाएंगे जिनके हम निकाह में आए हैं, उनका मतलब हमारे फ्रेंड की सिस्टर की मैरिज है, तो उनसे मिलने जाते हैं, एक बार मिलना तो चाहिए। हाय, नमस्ते नमस्ते, तुम भी नमस्ते नमस्ते करो, ठीक है चलो आ जाओ चलते हैं। मेरे वैसे ही ब्लॉग में आ गए, कौन आया है? आरती, फुटेज मिल गई। नॉट मी, हम लोग। चलो यार खाना खा लिया मैंने थोड़ा सा खाना खाया, मम्मी राजमा चावल खा रखे हैं। आई कांट मिस मेरे घर के राजमा चावल, मम्मी बहुत गुस्सा भी करेंगे अभी। भाई इतनी प्यारी सी शादी से हम लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर, और हमारे साथ एक और लड़की जुड़ गई है, आरती। ये बच्ची रैपिडो कही थी रात में, टाइम देखो 1:15 हो रहे, रात की कही नहीं नहीं मैं तो रैपिडो से चली जाऊंगी, मैं तो डेली का। तुम मेरे को बोलते तो मैं वो छोड़ रहा है, कोई किसी का नाम लिया था, कोई छोड़ा भी बाद में बताएंगे। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये तो भैया भी वो है जवानी का जोश है, नहीं नहीं हम तो रैपिडो से निकल जाएंगे भाई, इतना सेफ नहीं है, तो अभी आरती हमारे साथ ही चाहिए, पास में रहती है आरती, भी छोड़ देंगे। अब बताओ, मैं तो ब्लॉग बनाना इसलिए बोलूँ की मैं बातें कर रही थी, तू क्या कर रहा था? हमारी भी बातें चल रही थी भाई, बातें चल रही थी, ना तारीफ करी ना आया कि भाई तूने खाना खाया, भाई तूने पानी पिया, गायब। मेरे को भेजा शादी में, जा तू अंदर, जब मैं आता हूँ, उसके बाद से आया ही नहीं एक बार भी, दो घंटे के लिए गायब। इतने दिनों बाद मिला था, सबसे तो भाई बातचीत होती है, बातचीत होती है। बाकी मैं कैसे लग रही हूँ? बोला तो दादा को अच्छी लग रही है, तरीका क्या है तू बोल, और भी अदा है ऐसे बहुत प्यार से बोला कर, नहीं बोलता ऐसे बोलता है, हाँ अच्छी लग रही है यार, इसके बोलने से बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है। मैं सोचा कि पूछूं, क्या पता तेरे मन में भाव बदल गए हूँ कि नहीं आज और अच्छी लग रही है, पर छोड़ो भाव नहीं बदल सकते भाई। अभी चलते हैं घर, उसके बाद मिलते हैं।